नमस्कार, लीला की किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको खोपरा पाक बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। ये देखिए, मैंने आधा किलो मावा लिया है, ये मैंने 250 ग्राम खोपरे का बुरादा लिया है, 300 ग्राम मैंने शक्कर ली है और 2 इलायची ली है पीस के। ये मैंने मावा कढ़ाई में डाला है, अब इसको हम सेकेंगे। ये मावा डाल रही हूँ मैं, इसको हम टाइट सेकेंगे। ये देखिए, मावा मैं सेक रही हूँ। हम मावे को जैसे जैसे सेकेंगे वैसे वैसे ये नरम पड़ेगा, उसके बाद ये वापस टाइट पड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए, मावा नरम होता जा रहा है, उसके बाद ये थोड़ी देर बाद वापस टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये मावा वापस टाइट होने लग गया है। अब मैं गैस बंद करूंगी और मावे को दूसरे बर्तन में खाली करके चाशनी बनाऊंगी। ये मैंने करीब करीब 5-7 मिनट सेका है और ये टाइट पड़ गया है। ये देखिए, मावा सेक के मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया है। अब मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ। करीब मैंने आधा ग्लास इसमें पानी डाला है, पानी कम ही डाला है क्योंकि चाशनी हमको एकदम टाइट करनी है। शक्कर मैंने 300 ग्राम ली थी वो इसमें मैंने डाल दी है। पानी का आप ध्यान रखिएगा, पानी अपने को उतना ही डालना है, शक्कर अच्छी घुल जाए, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए, शक्कर का अच्छा उबाला आ गया है। मैंने इसमें 1 चम्मच दूध का डाला है। दूध इसलिए डाला है ताकि शक्कर में जो मेल होता है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा, उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये दूध डालने के बाद ये शक्कर का मेल ऊपर आ गया है, इसको हम निकाल देंगे। इस शक्कर को मेल को मैंने निकाल दिया है। ये देखिए, हमारी चाशनी हो गई है। अब हम इसको नीचे उतार के तब तक हिलाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए, मैंने चाशनी को गैस से उतार लिया है और मैं इसको नीचे हिला रही हूँ। मैं इसको नीचे तब तक हिलाऊंगी जब तक ये अच्छी गाढ़ी ना हो जाए शक्कर जैसी। चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, हमने इसको नीचे उतार कर अच्छा सा हिलाया है खूब, और ये देखो शक्कर जैसे होने आ गई है। अब इसमें मैंने जो 2 इलायची पीसी थी वो डाली है। ये जो मावा मैंने सेका था आधा किलो, और ये खोपरे का बुरादा डाला है। ये देखिए, मैंने मावा और खोपरे का बुरादा डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
ये देखिए मैंने खोपरा और मावा दोनों शक्कर की चाशनी में अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम 5-1 मिनट इसी में रहने देंगे, थोड़ा ये ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद हम इसको थाली में जमाएंगे। ये देखिए मैंने चाशनी में मावा और खोपरे का बुरादा मिक्स कर दिया है। ये देखिए अच्छी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए अब मैं इसको थाली में जमाऊंगी। देखिए थाली में मैंने घी डाल दिया है, अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने थाली में डाल दिया है, अब मैं इसको जमा रही हूँ। ये थोड़ी टाइट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको काट के भरेंगे। ये देखिए खोपरा पाक बनके तैयार है। अभी आधा घंटा सूख जाएगा, उसके बाद हम इसकी चक्कियाँ काट के भरेंगे। ये देखिए हमारा खोपरा पाक बनके तैयार है। मैंने इसकी चक्कियाँ काट दी है, प्लेट में अच्छे से लग दी है। अब आप मेरे को बताइएगा चक्के कि आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।